एक्सप्रेस में मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले खबर नारायणपुर से, जहां पर फायरिंग में 5 जवानों की मौत हो गई है। एक जवान पर ही अपने साथियों पर गोली चलाने का आरोप लगा है। गोली चलाने में आरोपी जवान के साथ 4 जवानों की मौत हो गई है। बीच बचाव करने आए 3 अन्य जवान भी घायल हुए हैं। बस्तर IG ने घटना की पुष्टि की है। रायपुर लाए जाएंगे जवानों के शव। तो बता दें, फायरिंग में 6 जवानों की मौत हुई। एक जवान पर ही अपने साथियों पर गोली चलाने का आरोप है। गोली चलाने में आरोपी जवान के साथ 4 जवानों की मौत हुई है। बीच बचाव करने आए 3 जवान भी घायल हुए हैं। बस्तर IG ने इस घटना की पुष्टि की है। आपको बता दें, रायपुर लाए जाएंगे जवानों के शव। अधिक जानकारी के लिए आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या कुछ है पूरा मामला? अपने ही साथी ने यहाँ पर फायरिंग की है। देखिए, ये पूरा मामला नारायणपुर जिले का है, जहाँ पर जो जवान है, ITBP के जो जवान है, वो आपसी विवाद के कारण इस तरीके की घटना घटी है। और विवाद इतना बढ़ गया कि जान लेने पर उतारू हो गए। और इसके बीच बचाव करने के लिए जो जवान आए थे, वो भी इसके चपेट में आए। बताया जा रहा है कि अपने ही हथियार से जो जवान है वो फायरिंग करना चालू कर दिया, जिसमें 6 जवान की मौत हो गई है, 2 जवान घायल हैं। घायल जवानों को रायपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। बड़ा सवाल यह उठता है कि जो यहाँ पर जो बस्तर में नक्सलियों से लोहा लेने के लिए जो जवान तैनात किए गए हैं, वो आपसी विवाद में इस तरीके से जवानों को नुकसान पहुंच रहा है, तो नक्सलियों का जो हौसला है वो बिल्कुल बुलंद होता नजर आएगा। क्योंकि जवान जो है वो नक्सलियों को बैकफुट में इस तरीके से ढकेल चुके हैं कि नक्सली जो हड़कंप है वो कम होता नजर आ रहा है। वहीं पर जो जवान इस तरीके से अगर कृत्य करते हैं, तो बिल्कुल बड़ा सवाल यहाँ पर उठता नजर आएगा कि 6 जवान आपसी विवाद के कारण मौत के घाट उतर गए हैं, और जिसमें 2 घायल भी हैं, जिनको रायपुर रेफर किया गया है अच्छा उपचार के लिए। जी, वाकई बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर आशुतोष उठता है कि सुरक्षा के लिए ये गन दिए जाते हैं, औजार दिए जाते हैं, पर अगर वही औजार एक दूसरे को मारने के लिए यहाँ पर उपयोग किए जाए, तो फिर क्या इसका मतलब रह जाएगा देने का? जी बिल्कुल, ये जो हथियार यूज करते हैं, जो बस्तर में जवान तैनात है, इनके अलग अलग हथियार हैं, और कई हथियार हाईटेक हथियार भी रखे हुए हैं, क्योंकि नक्सलियों से लोहा लेने के लिए ये हथियार उनको दिया जाता है, और नक्सलियों को बैकफुट में ढकेलने के लिए दिया जाता है। अगर ये हथियार अपने साथियों के ऊपर प्रयोग करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो यहाँ पर लापरवाही है, क्योंकि जो एक कैंप में इतने सारे जवान साथ में रहते हैं, उन साथी के समन्वय के कारण ही जो नक्सली से लोहा लेते हैं और नक्सलियों को मार गिराने में सफल हासिल करते हैं। बस्तर से नक्सलवाद मुक्त करने के लिए जवान को यहाँ पर खड़ा किया गया है, और अगर यह जवान आपस में ही विवाद उत्पन्न करते हैं, तो बिल्कुल यह नक्सलियों के लिए हौसला बुलंद हो जाएगा। तो सवाल ये भी है कि ऐसा क्या विवाद हो गया, ऐसी क्या बात हो गई जो विवाद इतना बढ़ गया और इतनी गोलियां चलाई गई कि जवान इतने सारे मौके पर ही उनकी मौत हो गई? देखिए, जो ये विवाद की जो बात सामने आ रही है, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि क्या विवाद आखिर हुआ था। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं इस विवाद को जानने के लिए कि आखिर किस तरीके का विवाद था कि जवानों को जान। जिस जवान ने गोली चलाई है वो कहाँ है, क्या वो कहीं भाग गया है, या अभी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ इस चीज से रिलेटेड अपडेट? जी, अभी अपडेट हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है कि जो जो, जो गोली चलाई है वो जवान कहां पर है। हम लगातार अपडेट करवाते रहेंगे और अपडेट लेने की कोशिश करते हैं। बस्तर IG वहां पर जो नारायणपुर SP है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, उसके बाद से हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपको नारायणपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर आपसी विवाद में जो है जवानों ने एक दूसरे पर फायरिंग की है। 6 जवानों की मौत की खबर यहां पर बताई जा रही है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, नारायणपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर गोली चलाने में आरोपी जवान के साथ जो है 4 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है। गोली चलाने में आरोपी जो है किसी चीज को लेकर यहाँ पर बड़ा विवाद हुआ था और उसने फायरिंग कर दी, यहाँ पर 6 लोगों की मौत हो गई है, और जो बीच बचाव करने के लिए वहां पर पहुंचे थे वो भी घायल हो गए हैं। फिलहाल कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया, आखिर क्या कारण रहे इसके पीछे,
लगातार छानबीन शुरू है, बड़े अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं और ये जांच करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या बात रही जिस पर विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग हुई है यहां पर। फिलहाल अभी कारणों का पता नहीं चल पाया है और जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो लगातार हम अपडेट्स लेते रहेंगे और बता रहे हैं आपको लगातार नारायणपुर से खबरें, तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एक जवान पर ही अपने साथियों को गोली मारने का मामला सामने आया है, जहां पर साथी सब तैनात थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं वहां पर जवान ने अपने साथियों पर गोली चलाई है, फायरिंग की है वहां पर, जिसमें 6 जवानों की मौत हो गई है। नारायणपुर की खबर आपको बता रहे हैं। तो नारायणपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फायरिंग में 6 जवानों की मौत हो गई। आपको बता दें एक जवान पर ही अपने साथियों पर गोली चलाने का यहां पर आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल अभी तक पता नहीं चल पाया है कि किस बात को लेकर यहां पर विवाद हुआ था आपस में जवानों के बीच में, जो फायरिंग तक की नौबत आ गई। और अधिक अपडेट्स के लिए आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या कुछ नए अपडेट्स? देखिए, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं एसपी से बात करने की कि आखिर क्या वजह थी कि जो इतनी बड़ी वारदात यहाँ पर हुई है और जवानों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन स्पष्ट तरीके से अधिकारी भी बताना नहीं चाह रहे हैं और अधिकारी लगातार इसके तहकीकात में जुटे हुए हैं कि आखिर ऐसा कौन सा विवाद था जिससे विवाद इतना बढ़ गया और जान लेने की यहाँ पर नौबत आ चुकी है। हम बस्तर आईजी को भी फोन करना, लगातार अपडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो पहुंच गए हैं। फॉरेंसिक लैब के जो अधिकारी होते हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। आखिर किस वजह से बड़े अधिकारी तो वहाँ पर ये सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर और भी सिपाही होंगे, और भी जवान होंगे, उनका क्या कुछ कहना था, ऐसा क्या विवाद हो गया, वो कुछ नहीं बता पा रहे हैं। देखिए, जो वहां पर जो जवान तैनात है वो इस चीज से बिल्कुल सहम चुके हैं और जो अधिकारी पहुंचे हुए हैं, अधिकारी से ही लगातार उनसे जब पूछा जाता है तो अधिकारी को ही वो बोलते हैं कि वो अधिकारी ही बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे ऐसा। लेकिन ये बात सामने आई कि थोड़ा सा वक्त लग सकता है क्योंकि अधिकारी जो है वो काफी यहाँ पर परेशान है और इस तरीके से वारदात जो हुआ है वो अधिकारी भी काफी चुप है, कुछ दबाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर लगातार उनसे पूछा जा रहा है। इतना बड़ा हादसा हो गया है, एक जवान इतनी हिम्मत दिखाता है और फायरिंग शुरू कर देता है, उसको सुरक्षा के लिए जो गन दी गई है वो अपने साथियों पर ही आजमाता है और बड़े अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे, आखिर क्या वजह है, कोई दबाव है क्या? देखिए, अभी तो ये चीज स्पष्ट निकल कर सामने नहीं आ रही है कि क्या दबाव हो सकता है और किस तरीके से वहां पर स्थिति उत्पन्न हुई थी कि इतना बड़ा वारदात हुआ है। लेकिन मामले का जो जितना भी जो वहां पर वारदात हुआ है वो धीरे से निकल कर सामने आते हैं, क्योंकि शुरुआती तौर पे जो होता है वो अधिकारी लगातार प्रयास करते हैं कि आखिर हुआ क्या था, वो उस मामले को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ही मीडिया के सामने ये बताया जाता है। जो बात बताने वाली होती है कि मीडिया से क्या बताना चाहिए वही बात बताते हैं कि अधिकारी जो है वो काफी समन्वय बिना बना के यहाँ पर और इस बात को स्पष्ट करते हैं। और शुरुआती तौर पर तो जो इस तरीके के मामले होते हैं उसको काफी छुपाने का कोशिश किया जाता है, लेकिन ज्यादा देर तक ये नहीं छुप पाता है, बाहर तो निकल कर सामने आता ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें वक्त लग सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पर वारदात, एक जवान जो है वो इतनी गोलियां चलाया है कि मौके पर ही मौत हो चुकी है जवानों को। जी आशुतोष, जिसने गोली चलाई थी उसके बारे में कुछ पता चल पाया, उसके बारे में कुछ अपडेट्स जवान बता पा रहे हैं, उसको क्या हुआ, कहाँ गया? जी देखिए, जो कैंप है कैंप के अंदर ही इस तरीके से जो वारदात हुआ है और वारदात के बाद जो जवान भाग नहीं सकता क्योंकि कैंप में काफी निगरानी रहती है और गेट में भी जो जवान को तैनात किया जाता है, तो बिल्कुल उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कर लिया गया होगा, लेकिन हम उसको अभी पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि अधिकारी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। अधिकारी पुष्टि होने के बाद ही हम दर्शकों को बता सकते हैं कि क्या उसे गिरफ्तार कर लिया गया है या फिर नहीं किया गया है। लगातार कौन कौन वहां पर अभी मौजूद है आशुतोष, कौन कौन से अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ अभी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं? देखिए, वहां पर जो एसपी हैं, जो जो बटालियन के जो सीईओ हैं वो पहुंच चुके हैं, जो नारायणपुर एसपी है वो पहुंच चुके हैं, एडिशनल एसपी पहुंच चुके हैं, वहां पर जो आसपास के जो थाने हैं वो सभी वहां पर पहुंच चुके हैं, जो टीआई लेवल के हैं, जो अधिकारी लेवल के, फॉरेंसिक लैब के जो है, और बस्तर आईजी जो है वो रवाना हो चुके हैं वहां के लिए, इतना बड़ा वारदात हो चुका है। तो चलिए आपको रोकना चाहूंगी, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका।
तस्वीरें हम जिस तरह से नारायणपुर की देख रहे हैं, जवान ने अपने साथियों को ही यहाँ पर गोली मारी है। लगातार वहां पर जिस तरह से अधिकारी भी पहुंचे हैं, अभी बता नहीं पा रहे हैं, लगातार हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं। आखिर क्या वजह है कि अभी तक बात सामने नहीं आ पा रही कि विवाद किस बात पे हुआ जो इतनी बड़ी वारदात कर दी गई? अब वो तो वहां से जब लौटेंगे या वहां से फोन करके बताएंगे कारण तो पता चलेगा। प्रारंभिक जानकारी मिली है अभी, प्रारंभिक जानकारी के आधार पे तत्काल हेलीकॉप्टर रवाना की कर रहे हैं और एसपी को और कमांडेंट को आईटीबीपी के भी रवाना कर रहे हैं, और जब वहां जाएंगे तो रीजन पता चलेगा कि वास्तविक कारण क्या है, क्यों आपस में जवान खुद ही भिड़ गए, क्यों गोली मारे जी। ये वह क्लियर जब उच्च अधिकारी वहां पहुंच जाएंगे और वहां घटनाक्रम की जानकारी लेके बताएंगे तभी असली जानकारी मिल पाएगी। पर सर अगर हम देखें तो बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, जिन सिपाहियों को सुरक्षा के लिए ये औजार दिए जाते हैं अगर उसका ही गलत उपयोग किया जाए, क्या इतना इन सिपाहियों का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, अपने एग्रेशन पे इतना कंट्रोल नहीं कि धड़ाधड़ इन्होंने फायरिंग की है और अपने साथियों को ही यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया? इस तरह की व्यवस्थाएं, ये व्यवस्था नहीं है, वो तो उस आदमी के दिमाग में क्या घटना हुआ होगा, क्यों आक्रोशित हुए, क्यों विवाद हुआ, क्या हुआ, वो तो जब जानकारी मिलेगी तब पता चलेगा। साहू जी जिस तरह से यहाँ पर इसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, पहले भी ऐसी उसकी हरकतें सामने आई होंगी, क्योंकि लगातार 6 लोगों को मौत के घाट उतारना, तो कहीं ना कहीं पहले भी ऐसी कोई घटना उसने की होगी या ऐसी चीजें हुई होंगी, ऐसे सिम्टम सामने आए होंगे कि अधिकारियों ने तब उस पर ध्यान नहीं दिया? पूरा ध्यान देते हैं, इस प्रकार की बड़ी घटना नहीं हुई है, एक आध छोटे मोटे पुलिस में हुआ है सिपाहियों में, पर ऐसा बड़ा घटना है वो भी आईटीबीपी के जवानों का, अभी तो हम लोगों के सरकार बनने के बाद कोई घटना पता नहीं चला है, हुआ ही नहीं है। मतलब अब आगे क्या आपका एक्शन होगा, जिस तरह से खबरें आएंगी, अपडेट्स आएंगी, अब क्या आप आगे एक्शन लेंगे? अब पहले पूरी घटनाक्रम की जानकारी ले लें, फिर एक्शन तय करेंगे, अधूरा अधूरा बीच में नहीं बोला जा सकता कि क्या ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कारण पता चले तो उसका निदान पर सोचेंगे। साहू जी वहां पर लगातार एसपी और कई अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हैं, वो क्यों जवाब नहीं दे रहे? सिपाही भी हम देखें तो वो भी उनके सामने थे, लड़ाई झगड़े में सामने बैठे थे, मूक दर्शक क्यों बने हुए थे? अभी भी जैसे हमारे सहयोगी वहां पहुंचे हैं तो कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे, चुप क्यों है? अभी तो मेरे पास और जानकारी आई नहीं है, लगा हुआ हूँ कि जल्दी से जल्द की वास्तविक स्थिति कहा जाए, फिर बताऊंगा। जी जी ठीक। जिस तरह से आगे आगे अब क्या आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जैसे 6 जवान अब जा चुके हैं, बहुत बड़ी हम देखें तो शायद उनके परिवार वालों के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा, हर किसी के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत बड़ी वारदात है ये, आगे क्या कार्रवाई होगी? अब शायद हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और खबर आपको बताया नारायणपुर से, जहां पर जवान ने अपने साथियों को जो है फायरिंग कर मौत की घाट उतार दिया है। फिलहाल कारणों का पता नहीं चल पाया है, मौके पर अधिकारी एसपी सब वहां पर मौजूद हैं और कारणों का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने अभी गृह मंत्री से भी बात करने की कोशिश की, उनसे ही बात की, उन्होंने भी कहा कि अभी कुछ फिलहाल पूरी तरह से अपडेट्स नहीं मिल पा रहे हैं, जैसे ही मिलेंगे आगे कार्रवाई करेंगे। और लगातार हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष आपने भी सुना, गृह मंत्री से हम बात कर रहे थे, उन्होंने बोला व्यवस्थाएं सब सही हैं। सवाल जिस तरह से मैंने उनसे किया कि बड़ी बात यह है कि अगर उसने 6 लोगों को मौत के घाट उतारा है तो कहीं ना कहीं इतने लंबे टाइम में जब से वो तैनात होगा अपनी ड्यूटी पर कुछ तो ऐसे सिम्टम होंगे जिसमें वो नजर आया होगा कि वो इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। देखिए गृह मंत्री ने जिस तरीके से कहा कि कोई बड़ी घटना नहीं है, यह छोटी घटना है और ये सब होते रहती है, बिल्कुल ये सर्वनाश बात है, ऐसा कहना सर्वनाश बात हो सकता है क्योंकि ये बड़ी घटना है, क्योंकि ये जवान यहाँ पर अगर शहीद नहीं हुए, जवान के साथी ने ही गोली मारी है जवान को, जिसमें 6 लोग
की मौत हो गई है, और जो जवान गोली चलाया था वो जवान भी यहाँ पर मौत के घाट उतर चुका है, क्योंकि क्रॉस फायरिंग जो हुई थी, आमने सामने जो फायरिंग हो रही थी उसमें वो भी चपेट में आया है और उसकी भी मौत हो चुकी है। तो ये बिल्कुल ये बड़ी घटना है। नक्सली अगर यहाँ पर वारदात करते हैं और उसमें जवान अगर शहीद होते हैं तो सभी जितना राजनेता है जो राजनीतिक करते हैं वो डायरेक्ट यही बोलते हैं कि नक्सलियों ने जवानों को जिस तरीके से मारा है, जो शहीद हुए हैं, तो ये बड़ा बड़ा सवाल वहां पर आता है। लेकिन जब जवान एक साथी ही एक साथी को मारता है और एक वो भी एक कैंप में आईटीबीपी के जवान जो हैं वो इस तरीके से वारदात को अंजाम देते हैं, तो ये कहा जाता है कि ये बड़ा घटना नहीं है, छोटा मोटा घटना है। छोटा मोटा घटना जो विवाद पैदा होता है, जो आपसी विवाद पैदा होता है, जान जान मान की हानि नहीं होती है, उसे कहा जा सकता है कि छोटा घटना है। लेकिन यहाँ पर है ना, छोटी मोटी घटनाओं पर ही ध्यान नहीं देते, तभी तो इतनी बड़ी वारदातें हो जाती हैं, और इतनी बड़ी वारदात को भी बोल रहे छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। जी बिल्कुल, देखिए छोटी मोटी घटनाएं जो होती हैं उसको अगर संज्ञान में नहीं लिया जाता है तभी वो छोटी मोटी वारदात ही बड़ी रूप ले लेती है। और जिस तरीके से यहाँ पर 6 जवान की मौत हुई है, बिल्कुल जो परिवार वाले हैं, जो जवान के परिवार वाले होते हैं, वो भी इस घटना को मतलब समझ नहीं पाएंगे कि हुआ कैसे, क्योंकि नक्सली क्षेत्र में यहाँ पर है और नक्सली से जो आमना सामना होता है, जो मुठभेड़ होता है, तब जवान शहीद होते हैं, तब जो परिवार वाले रहते हैं वो एक्सेप्ट कर पाते हैं, लेकिन जो जवान कैंप में होने के बावजूद कैंप में ही उनकी जान चली जाती है और आपसी विवाद में जान चली जाती है, तो ये मतलब समझना काफी मुश्किल हो जाता है घर वालों के लिए। जी अब वहाँ पर क्या कुछ कहना है अधिकारियों का, पहुंचे हैं, काफी देर हो चुकी है, अब तक क्या अपडेट्स नहीं दे पाए, आखिर क्या वजह रही जो इतना विवाद बढ़ गया? इसका स्पष्ट अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रहा है कि वजह क्या है, क्या थी, लेकिन जो जानकारी आया हमारे पास कि जो जवान जो फायरिंग किया था, जो गोली चला रहा था, वो भी क्रॉस फायरिंग में उसकी भी जान चली गई है, और जो दो जो जवान घायल थे उनको रायपुर रिफर कर दिया गया है। वहां पर जो एसपी हैं मोहित गर्ग वो पहुंच चुके हैं और बस्तर आईजी यहां से निकल चुके हैं, हालांकि नारायणपुर जगदलपुर से काफी दूर है और जगदलपुर जो बस्तर के मुख्यालय है वहां पर आईजी बैठते हैं, तो वहां से नारायणपुर जाना काफी समय लग सकता है, उसके बाद ही स्पष्ट होगा। हालांकि एसपी से हमारी बात नहीं हो पा रही है कि हम जानकारी और ले सकें कि आखिर क्या विवाद था, कितनी बड़ी यहाँ पर बात थी जिससे जान की जान पर आन पड़ी और 6 जवान की मौत हो चुकी है यहाँ पर, तो ये जानकारी लेके हम लगातार। वो अभी कहाँ है, क्या उनसे बातचीत हो पाई? जी रिपीट करेंगे एक बार आशुतोष, जो जवान घायल हुए थे वो जवान घायल कहाँ पर है, क्या उनसे कुछ बात हो पाई, उनका कुछ कहना था क्या? नहीं, उनसे तो हालांकि बात नहीं हो पाई है, और जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको रायपुर रिफर कर दिया गया है, रायपुर में अच्छा उपचार के लिए, क्योंकि उनकी भी हालत जो क्रिटिकल है, उनको भी गोली लगी हुई है, लेकिन हालांकि वो अभी सुरक्षित लग रहे हैं, हॉस्पिटल पहुंचते हैं, अच्छा से उपचार होता है तो वो बिल्कुल बच सकते हैं, तो वो प्रयास किया जा रहा है ताकि उनकी जान बचाया जा सके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष। और इसी खबर पे हमारे साथ हेमंत शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, क्या कुछ अपडेट्स इस बारे में अभी मिल पा रहे हैं? हाँ देखिए, काफी दुखद घटना नारायणपुर में हुई है, जो आईडीपीपी के जवान हैं उनमें आपसी विवाद हुआ और आपसी विवाद के चलते एक जो जवान है उसने अपने 6 साथियों को गोली मार दी, और इसमें ये बताया जा रहा है कि करीब 6 जवानों की इसमें मौत हुई और जो दो घायल हैं उनको रायपुर रेफर किया जा रहा है हेलीकॉप्टर के जरिए, वो उनको रायपुर लाया जा रहा है। गृह मंत्री धर्मधर साहू तक इस पूरे मामले की सूचना पहुंच चुकी है। इसके अलावा घटना की वहां पर जो एसपी हैं नारायणपुर एसपी मोहित गर्ग, उन्होंने भी पुष्टि की है, और इस तरीके का जो मामला है वो काफी निंदनीय निकल कर सामने आ रहा है। और अभी जो जानकारी मिल पा रही है, जो मृतक जवान है, जो शहीद जवान है, उनको भी यहाँ पर रायपुर लाया जाएगा। और क्या कुछ बात करने की कोशिश की आपने वहाँ पर, जो अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं, एसपी मौजूद हैं, कुछ निकल करके सामने आया आखिर किस बात पर विवाद हुआ जो विवाद इतना बढ़ गया? आज कट रहे हैं।
तो शायद हमारा संपर्क टूट गया है हेमंत से। तो आपको बता दें, नारायणपुर से खबर आपको लगातार बता रहे हैं, 6 जवानों की मौत हो गई है। आपस में कुछ विवाद हुआ था, किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था, और विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर फायरिंग करना शुरू कर दी और उसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। लगातार हमारी टीम भी वहां पर मौजूद है और कारणों का पता करने की कोशिश कर रही है। SP वहां पर मौजूद हैं। फिलहाल वो अभी कुछ भी कहते हुए बच रहे हैं, कुछ भी अभी कहना नहीं चाहते वो। वो पहले जांच पूरी तरह से करेंगे, उसके बाद ही पुष्टि करने की वो बात कह रहे हैं। और गृह मंत्री से भी जिस तरह से हमने बात की, आपने भी सुना, उन्होंने बोला लगातार हम भी कोशिश कर रहे हैं कि पूरा मामला संज्ञान में लें और जांच हो जाए, उसके बाद ही हम बता पाएंगे क्या कुछ बात रही जिस बात से इतना बड़ा विवाद हो गया। और जो साथी थे वहां पर जवान, वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश जो है लगातार हमारे सहयोगी कर रहे हैं, पर अभी कुछ निकल करके सामने नहीं आ पाया। आपको बता दें, बीच बचाव करने जो वहां पर जवान आपस में पहुंचे थे, वो भी घायल हो गए हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से रायपुर रेफर कर दिया गया है, उन्हें भी गोली लगी है। फिलहाल वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं, आपको बता दें। और एक जवान पर जो है गोली चलाने के आरोप हैं, जिसने इतनी फायरिंग की कि बाकियों की मौत हो गई, और सामने से फायरिंग में जिसने फायरिंग की थी उसको भी गोली लगी और उसकी भी मौत हो गई। और हमारे साथ हेमंत जुड़ गए। हेमंत, आप वहां पर पहुंचे, SP अधिकारी सब मौजूद हैं, कुछ बात उन्होंने कही, क्या कुछ कारण रहे आखिर जो इतना बड़ा विवाद हो गया कि विवाद में फायरिंग तक हो गई? देखिए, प्राथमिक तौर पर किस कारण वहां पर विवाद हुआ है ये सामने नहीं आ चुका है, लेकिन आपसी विवाद वहां पर हुआ और खूनी संघर्ष फिर जवानों के बीच में देखने को मिला। उसके बाद इसी बीच एक जवान ने अपने 6 करीब 8 साथियों को वहां पर गोली चलाई, जिसमें 6 जवान की मौत हुई और 2 घायल हैं। मैंने पहले ही बताया कि रायपुर सभी को लाया जा रहा है, जो घायल जवान हैं उनको तत्काल, क्योंकि काफी क्रिटिकल उनकी जो हालत है काफी गंभीर है, इसलिए उनको हेलीकॉप्टर के जरिए रायपुर लाया जा रहा है। और बाकी जो मृत जवान हैं उनको भी यहाँ पर जल्द ही रायपुर लाया जाएगा, क्योंकि पोस्टमार्टम यहाँ पर उनका होगा और उसके बाद गृहग्राम उनका भेजा जाएगा। लेकिन काफी दुखद घटना है, इसके पीछे समझना होगा कि आखिरकार इतना आत्मघाती कदम क्यों उठाया गया जवान के द्वारा, क्या ऐसे विवाद उनके बीच में हुआ था, ये अभी ठोस कारण निकलकर सामने नहीं आ पाया। हालांकि घटना की पुष्टि वहां पर जो नारायणपुर SP है मोहित गर्ग, उन्होंने कर दी है। गृहमंत्री तारानंद साहू तक भी इस मामले की पूरी सूचना पहुंच चुकी है, और जो तमाम आला अधिकारी हैं पुलिस के वो अभी रायपुर में एक मीटिंग वो करने वाले हैं, और यहाँ पर जो 2 जवान जो घायल हैं उनको यहाँ पर लाने वाला है, तो वहाँ पर तैयारी अब शुरू कर दी गई है। बाकी आप वहां पर पहुंचे हैं, सिपाही भी होंगे, बहुत सारे वहां पर जवान मौजूद होंगे, उनसे बात करने की कोशिश की क्या आपने? उनको ही पता होगा, आसपास वो मौजूद थे। देखिए, अभी उस समय काफी अभी किसी से बात नहीं हो पाई है, हालांकि जो IG है वहाँ के और जो DGP है, DMO, उनसे बात करने की कोशिश हमने की थी, लेकिन उनका जो उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। गृहमंत्री तानसा रायपुर में ही है, रायपुर में भी उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जिस हमने भी बात करने की कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं छोटी मोटी, तो कहीं ना कहीं हम देखें बहुत बड़ा निंदनीय बात है जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, बहुत बड़ा बयान यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं हम। देखिए, निश्चित तौर पर प्रदेश के गृह मंत्री अगर ऐसा बयान देते हैं तो आप अंदाजा लगा जा सकता है कि कितना वो इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 6 जवानों की मौत हो जाती है, और गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि छोटी मोटी घटना है। अब हर बार इस तरह का बयान उनके तरफ से आता है, उन पिछले दिनों जब यहाँ अपराध को लेकर भी उनसे सवाल किया गया था तो वही जवाब उन्होंने दिया था कि एक व्यक्ति के पीछे पुलिस नहीं लगा सकता। अगर प्रदेश के गृह मंत्री ही ऐसा बयान देंगे तो आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरीके से हालत यहाँ पर प्रशासन में है। हालांकि DGP से भी बात करने की कोशिश हमने की थी, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया, क्योंकि वो सीधा संपर्क आया वहाँ के जो IG और SP है नारायणपुर के, उनसे वो लगातार बात कर रहे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। काफी बड़ी घटना है, 6 जवान की मौत हो जाना ये छोटी मोटी घटना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बयान गृह मंत्री दे रहे हैं, काफी निंदनीय बयान उनका कहा जा सकता है। और जिस तरह से जवानों को सुरक्षा के लिए औजार दिए जाते हैं, गन्स दी जाती हैं, और वो अपने आपस
में ही लड़ाई में ऐसे औजार यूज करें और फायरिंग कर दें तो आम जनता की सुरक्षा कौन करेगा? वो आपस में ही सुरक्षित नहीं है, आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही फायरिंग कर रहे हैं, तो आम जनता के लिए कौन है फिर? बड़ा सवाल ये भी उठता है यहाँ पर। निश्चित तौर पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जो लोगों की रक्षा करने के लिए जो जवान वहां पर डटे हुए हैं, अगर वही अपने जो जो पिस्तौल वो हथियार है अगर उसी से खूनी संघर्ष करने लगे तो आम जनता में क्या संदेश जाएगा? लेकिन घटना के पीछे वास्तविकता को समझना पड़ेगा कि आखिरकार क्या ऐसी स्थिति आ पड़ी जिसके जिसके कारण एक जवान ने अपने 6 साथियों को मौत के घाट उतार दिया। गृहमंत्री की एक ये भी बात थी कि जिसने गोली पहले चलाई वो दिमागी तौर से ठीक नहीं था, उनका ये भी कहना था। तो दिमागी तौर से ठीक नहीं था, उसके दिमाग में क्या आया? तो क्या इतने लंबे समय से वो जवान तैनात था, इतने लंबे समय से ड्यूटी में है, तो क्या तब उसको ऑब्जर्व नहीं किया गया? ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं था जो देखे नहीं गए कि वो पहले से ही ऐसा है और उसे ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया जो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया? मतलब कहीं कुछ किया नहीं जा रहा है ना, ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है कुल मिलाकर अगर हम देखें तो। देखिए यही जवाब वहां पर जो एसपी और आईजी हैं उनको देना पड़ेगा। अगर दिमागी हालत ठीक नहीं थी जवान की तो पहले उनसे संपर्क क्यों नहीं किया गया? जो आला अधिकारी वहां पर मौजूद रहते हैं, चाहे टीआरटीआई की बात की जाए, एसपी की बात की जाए, जो जवान जिनके सुरक्षा में रहते हैं, जिनके घेरे में रहते हैं, तो उनको उन तक ये सूचना क्यों नहीं पहुंच पाई कि जवान लगातार परेशान नजर आ रहा है? क्योंकि समय समय पर सरकार ये बात करती है कि जवानों की भी स्थिति समझने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस प्रकार की घटना घट जाना कहीं ना कहीं कई तरह बड़े सवाल उत्पन्न कर रहा है। वाकई अभी क्या कुछ अधिक अपडेट्स मिल पा रहे हैं? क्या किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं आप? कुछ पता चल पा रहा है आखिर क्या वजह है? देखिए मैंने पहले ही बताया कि एकदम प्राथमिक तौर पर अभी यही जानकारी निकल कर सामने आ पाई है, लेकिन कुछ देर बाद जब जवान नारायणपुर से जो दो घायल जवान हैं वो रायपुर पहुंचेंगे, तब जो प्रदेश के डीजीपी हैं डीएम अवस्थी वो यहां पर पहुंचेंगे, तो उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतना बड़ा कदम उस जवान ने क्यों उठाया? अगर उनका दिमागी हालत ठीक था तो पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? सब सारे सवाल उनसे पूछे जाने हैं, हालांकि अभी उनसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन इस घटना के बाद निश्चित तौर पर सरकार और जो पुलिस प्रशासन उस पर कई तरह के सवाल भी उठने लाजमी है। चलिए लगातार नजरें बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे और फिलहाल